सीपी है इट इज लाइक रेसिंग एंड डीएसए इज ड्राइविंग. सो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं बट इज एग्जैक्टली सेम नहीं है. और जो हमारी जॉब है वो एक ड्राइवर की जॉब है. राइट, ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट जैसे नहीं है कि आपने सॉल्व कर दिया तो आप पास हो गए. सो यू नीड टू टेल द इंटरव्यूअर कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोच रहे हो इसको कोड करने से पहले, आपने टेस्ट केसेस उससे पूछे या नहीं अच्छे से, क्या क्या एज केसेस हो सकते हैं, आपने प्रॉब्लम अच्छे से समझी या नहीं. सो ये सभी चीज़ें भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है. बट ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए सॉल्यूशन देख देख के क्वेश्चन आपने सबमिट करे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. खुद से सॉल्व करो. अगर आपने देख देख के 500 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बिना देखे 100 किए, तो सिर्फ 100 की वैल्यू है, उन 500 की कोई वैल्यू नहीं है. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब. आज हमारे साथ हैं पीयूष, जिन्होंने बहुत ही बड़ी कंपनी को क्रैक किया है. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन यू नो बिगेस्ट टेक कंपनी ग्लोबली. और जानते हैं उनका सारा एक्सपीरियंस. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को डाउट आता है. सारा प्रोसेस शेयर करेंगे, सारे यू नो जो टिप्स और ट्रिक्स हैं और जो रिसोर्सेज उन्हें यूज करें सब कुछ शेयर करेंगे. तो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं पीयूष के इंट्रोडक्शन से. हेलो गाइस, मेरा नाम पीयूष है एंड आई एम फ्रॉम बीएमएल मुजाल यूनिवर्सिटी इन गुड़गांव एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन गूगल दिस मंथ ओनली. एंड कुछ मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपनी जर्नी या फिर अभी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो आई थॉट इट विल बी बेटर उनके थोड़े जो एफएक्यूज होते हैं उनको अगर मैं आंसर करता हूँ, तो जितना मेरे को नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आंसर करूँगा. तो लेट्स सी इफ आई कैन हेल्प सम. श्योर. सो पीयूष, सबसे पहले बताओ यार, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली कैसे. तो जो स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला है कि सभी कंपनीज के एक करियर की साइट होती है जिसमें जॉब ओपनिंग आती हैं. सो सभी कंपनीज का आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी कौन सी प्रोफाइल की जॉब निकली है. हो सकता है एक कंपनी में मल्टीपल प्रोफाइल्स निकली हो, आप मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. वैसे ही गूगल जॉब से मैंने ये देखा था ओपनिंग एंड आई अप्लाइड थ्रू अ रेफरल. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी ऑफ कैंपस अप्लाई करो ट्राई करो कि रेफरल मिल जाए, क्योंकि उससे जो स्क्रीनिंग है वो काफी आसान हो जाती है. ऑब्वियसली आगे जाके सबके लिए सेम ही रहता है, बट एक बार स्क्रीनिंग राउंड क्लियर हो जाए तो आप अपना टैलेंट दिखा भी सकते हो. अगर स्क्रीनिंग ही क्लियर ना हो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि करियर वेबसाइट पे ध्यान रखो कि कब जॉब ओपनिंग आ रही है एंड जब जॉब ओपनिंग आए किसी से रेफरल मांगो. ओके, समझ गया. तो तुम्हारी जो कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस थी एक बार उसे गो थ्रू करा दो. तो सबसे पहले मेरा हुआ था ऑनलाइन टेस्ट, इट वॉज इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. तो उसमें दो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, सो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस उसमें आपका अगर क्लियर हो जाए तो उसके बाद होता है टेलीफोनिक राउंड. उसमें एक ही इंटरव्यू होता है एंड जो इंटरव्यूअर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक पूछे या दो पूछे, वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, ज़्यादा भी पूछ सकते हैं. इट इज़ अराउंड मीडियम लेवल, कईयों को हार्ड भी आता है, सो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए. तो उस राउंड के बाद फिर रिक्रूटर का कॉल आता है कि वेदर यू क्लियर इट और नॉट, वो थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है वो वाला कॉल. एंड उसके बाद फिर शुरू होते हैं ऑन साइट राउंड. तो ऑन साइट में मेरे हुए थे टोटल 5, उनमें से 4 थे टेक्निकल राउंड और एक था जो गूगलीनेस राउंड बोलते हैं जिसको, लीडरशिप राउंड होता है वो. तो टेक्निकल राउंड में तो जैसे कोडिंग क्वेश्चन भी होते हैं सारे मीडियम हार्ड लेवल के, 4 फॉलोअप भी पूछे जा सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व कर दिया, थोड़ा आसान क्वेश्चन था तो फॉलोअप के लिए तैयार रहना चाहिए. एंड गूगलीनेस राउंड में आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, एटीट्यूड चेक करते हैं कि ये बंदा फिट है कि नहीं कंपनी के लिए. तो इन 5 राउंड के बाद आता है हायरिंग कमेटी गए कि अगर आपका इसमें रिस्पॉन्स अच्छा लगा रिक्रूटर को बाकी इंटरव्यूज का, तो हायरिंग कमेटी को आपका पैकेज जाता है. फिर हायरिंग कमेटी डिसाइड करते हैं कि यू आर अ गुड फिट फॉर द कंपनी और नॉट. फिर उसके बाद ऑफर रिव्यू और टीम मैचिंग वगैरह होती है. ओके ओके, काफी ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस है. तो ग्रेट ग्रेट. तो तुम्हारे जितने भी राउंड्स हुए इंक्लूडिंग टेक्निकल इंटरव्यूज और ऑनलाइन टेस्ट, उनका डिफिकल्टी लेवल तुम्हारे हिसाब से कैसा था, तुम्हें टफ लगे या इजी लगे, और कौन कौन से डीएसए टॉपिक्स कवर हुए उसमें. मतलब अगर डिफिकल्टी मैं लीड कोड के हिसाब से बताना चाहूँ तो हार्ड लेवल के कुछ क्वेश्चन होते हैं और मोस्टली मीडियम हार्ड के बीच में लाई करते हैं. तो अगर आपको मीडियम इजी पूछा जा रहा है क्वेश्चन तो उसके बाद पक्का कोई ना कोई फॉलोअप पूछे जाते हैं, फॉलोअप थोड़ा सा हार्ड होता है. सो मैं बताऊंगा कि जैसे मीडियम वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो. मीडियम तो सारे हो जाने चाहिए लीड कोड के जो हैं, कोई भी अगर उठाओ. एंड हार्ड भी कम से कम आधे तो हो जाने चाहिए जो भी आप उठा रहे हो. तो 50-60 हार्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने चाहिए बेस्ड ऑन द टॉपिक, थोड़ा सा मिक्स करके, ऐसे नहीं कि एक ही टॉपिक के सभी कर लिए. एंड जो बेसिक हमारे डीएसए टॉपिक्स होते हैं, एरेज, ग्राफ्स,
लिंक लिस्ट और स्ट्रिंग, 2.0 अप्रोच एल्गोरिथम में आ जाती है, डीएफएस बीएफएस, और कुछ केसेस में सेगमेंट ट्रीज भी पूछे जाते हैं और रेंज में मिनिमम क्वेरी भी पूछी जाती है. तो वो थोड़े से मतलब कम्युनिटी प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखो थोड़े से आसान टॉपिक हैं, उनको सीखना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है. तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करके इनको ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो. अगर कोर फोर्स से प्रैक्टिस कर रहे हो तो सी डी हो जाने चाहिए, डिप टू वाले, डिप थ्री का ई भी हो जाना चाहिए, तो उससे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस रहेगी. ओके ठीक है. तो वैसे तुम्हारे जो इंटरव्यूज हुए थे उसमें कोई सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन पूछा गया था तुमसे? नहीं, मेरे से नहीं पूछा गया था. अच्छा अच्छा. मतलब गूगल में नहीं पूछते जनरली, बट मैंने कुछ कंपनीज का सुना है इंटरव्यू प्रोसेस में सिस्टम डिजाइन के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो इट इज बेटर टू हैव एन ओवरव्यू. इतना ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. हाँ बिल्कुल. और वैसे जो तुम्हारी कंप्लीट प्रिपरेशन थी उसमें तुमने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करे, और जो रिसोर्सेज थे वो पेड थे या अनपेड थे? मैंने मेनली लीडकोड पे प्रैक्टिस करी थी. लीडकोड प्रीमियम खरीदा था मैंने, सो दैट आई कैन फोकस ऑन गूगल स्पेसिफिक वंस आल्सो. एंड कुछ मतलब क्वेश्चन उसमें लॉग्ड होते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करके हमने लीडकोड प्रीमियम खरीद लिया था, तो उस पर ही मोस्टली प्रिपरेशन हुई थी मेरी. एंड साइड बाई साइड थोड़ा सा लीडकोड से अगर बोर हो गए तो कोडफोर्स पे चले गए, कोडफोर्स पे चले गए, थोड़ा ऐसे चलता था. अच्छा अच्छा ठीक है. तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है प्योर स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सीपी बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है. क्या ये सच्ची में रिक्वायर्ड है गूगल जैसी बड़ी कंपनी को क्रैक करने के लिए, या फिर हम दूसरे रिसोर्सेज हैं जैसे लीड कोड या इनसे भी क्रैक किया जा सकता है? सो इस पे मैंने रिसेंटली एक पोस्ट भी बनाया था लिंक्डइन पे टू गेट द एनालॉजी. तो मैंने इसको ऐसे समझाया था कि जो सीपी है इट इज लाइक रेसिंग एंड डीएसए इज ड्राइविंग. सो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं बट इज एग्जैक्टली सेम नहीं है. और जो हमारी जॉब है वो एक ड्राइवर की जॉब है, राइट? सो ड्राइविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द जॉब, है ना? और रेसिंग करने के लिए भी ड्राइविंग चाहिए, ठीक है? अब रेसिंग एक स्पोर्ट जैसे है, वो हमें पसंद है तो हम करेंगे, हमें नहीं पसंद तो हम नहीं करेंगे. हमने ड्राइवर अगर बनना है तो ड्राइविंग जरूरी है बस हमारे लिए. उसके अलावा कुछ भी हम करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है, राइट? और जरूरी नहीं है कि हम रेसिंग में अगर एक्सपर्ट हो गए तो हम अच्छे ड्राइवर बन पाएंगे, क्योंकि ड्राइविंग के लिए और भी काफी स्किल्स चाहिए. वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोडिंग के अलावा भी काफी स्किल्स चाहिए होती है. सो सीपी इज जस्ट यू लाइक इट एंड यू कैन प्रैक्टिस इट, बट आपको फिर साथ साथ और भी चीजों पे ध्यान देना है, जैसे कि डीएसए के साथ भी ध्यान देना ही पड़ता है हमें. और वैसे पीयूष, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे रिज्यूमे में ऐसी क्या चीज थी जो कि स्टैंड आउट करी होगी दूसरों से? सो रिज्यूमे पे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स होने बहुत जरूरी हैं, एटलीस्ट टू इज कंसीडर्ड गुड, बट उससे ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया है. एंड अगर प्रीवियस कोई हमारे पास एक्सपीरियंस होता है कंपनी में काम करने का, सो दैट इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट. और रिज्यूमे पे मोस्टली लोग डिटेल जिस चीज़ की देनी चाहिए उस चीज़ की अच्छे से नहीं देते हैं. जैसे प्रोजेक्ट्स की डिटेल देनी चाहिए, एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस की देनी चाहिए. और लोग एजुकेशन की डिटेल देते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ की देते हैं, साइट जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं उनकी डिटेल देते हैं. तो उनको थोड़ा सा हम साइट पे साइट वाले कॉलम में डाल के हमें प्रोजेक्ट्स की डिटेल ज़्यादा देनी चाहिए, ताकि रिक्रूटर को रिज्यूमे देख के पता चले कि हमने कितने डिटेल में प्रोजेक्ट किया है. दैट इज वेरी ट्रू. और तुम्हारे हिसाब से कोडिंग इंटरव्यूज में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जरूर करनी चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट टिप्स? सो सबसे पहला है कि कोड करते करते हमें बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए इंटरव्यूअर से. तो आपका सिर्फ टेस्ट नहीं हो रहा, ये ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट जैसे नहीं है कि आपने सॉल्व कर दिया तो आप पास हो गए. सो यू नीड टू टेल द इंटरव्यूअर कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोच रहे हो इसको कोड करने से पहले, आपने टेस्ट केसेस उससे पूछे या नहीं अच्छे से, कि क्या क्या एज केसेस हो सकते हैं, आपने प्रॉब्लम अच्छे से समझी या नहीं. सो ये सभी चीज़ें भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है. और जो मोस्टली लोग क्या करते हैं, कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे उतना फोकस नहीं करते. सो एक वो चीज़ बहुत लैकिंग है लोगों में, एंड उनको कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए. मॉक इंटरव्यूज़ लो अपने कोई फ्रेंड के साथ, आप उसका इंटरव्यू लो, वो आपका इंटरव्यू लेगा. और नेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ये देखने के लिए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कोडिंग टेक इंटरव्यूज में. सो उनको फॉलो करना चाहिए. ओके ग्रेट. वैसे है ना, ये भी बहुत बड़ी इशू होती है स्टूडेंट्स को कि उन्हें प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज नहीं मिल पाते. चलो हमने एक डोमेन तो चूज कर ली, लेकिन हम प्रोजेक्ट आइडियाज कहाँ से लाए, तो उसके लिए कोई रिसोर्सेज? मैंने जो प्रोजेक्ट सारे बनाए थे, सो मोस्टली वो सारे कोर्स वाले प्रोजेक्ट ही थे. तो हमारे जैसे मशीन लर्निंग का कोर्स है, तो उसमें एक जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें अच्छी मेहनत कर दी, राइट? कोई और सब्जेक्ट्स हैं जैसे जिनमें भी प्रोजेक्ट बनना होता है,
सो उनमें अगर आप टीचर से कंसल्ट करके या फिर ऑनलाइन मटेरियल देख के अगर आप कोर्स के अंदर ही अच्छा प्रोजेक्ट बना लोगे ताकि वो रिज्यूमे के ऊपर आ सके तो दैट इज बेस्ट. आपको अलग से प्रोजेक्ट बनाने में टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा. सो कोर्स वर्क के साथ साथ ही प्रोजेक्ट हो जाएगा. अगर आउटसाइड द फील्ड जाके आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाना है जैसे YouTube पे कुछ वीडियोस होती हैं, जैसे अगर आपने कोई फ्रेमवर्क सीखा तो उसके साथ ही एक वीडियो होती है कि उस फ्रेमवर्क के पे कौन से प्रोजेक्ट आइडियाज अच्छे अच्छे हैं, तो उनको फॉलो करके भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं. बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एक्स्ट्रा टाइम ना देके कोर्स वर्क के साथ साथ ही प्रोजेक्ट बना लो. बिल्कुल बिल्कुल. स्टूडेंट्स ना क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डीएसए प्रॉब्लम्स कर लो तो फायदा होगा, वो कुछ बोलते हैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ डीएसए प्रॉब्लम्स करो तो फायदा होगा. तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पे? क्वालिटी से मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया कि क्वालिटी प्रॉब्लम्स, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अच्छी वाली प्रॉब्लम्स करो, ज्यादा मत करो. सो ऐसा कुछ कंसेप्ट तो नहीं है, मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो मेरे ख्याल तो उतना ही ज्यादा अच्छा है. बट ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए सॉल्यूशन देख देख के क्वेश्चन आपने सबमिट करे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. खुद से सॉल्व करो. अगर आपने देख देख के 500 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बिना देखे 100 किए, तो सिर्फ 100 की वैल्यू है, उन 500 की कोई वैल्यू नहीं है. अगर आपने देख के भी अगर कुछ सॉल्व किया है तो उसके जो मैचिंग क्वेश्चन हैं उसके जैसे बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपको पता चले कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया या नहीं. और जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स, उनको लाइक वो कितना यूज आए तुम्हारे टेक्निकल इंटरव्यूज इन सब में, और उसको कितना टाइम देना चाहिए एक स्टूडेंट को टू प्रिपेयर जस्ट फॉर द टेक्निकल इंटरव्यूज? जो बिग टेक कंपनीज होती हैं वो ज्यादा फोकस नहीं करती ऐसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पे. जैसे मेरे को तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इन सब में से. बट कुछ कभी कभी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है. सो बेसिक नॉलेज होना इज वेरी बिग प्लस पॉइंट. बट अगर आप कोई स्टार्टअप में ट्राई कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, क्योंकि अब सिर्फ बिग टेक में तो नहीं होगी, हर जगह हम अप्लाई करते हैं. सो वहाँ पे इस चीज पे काफी फोकस किया जाता है, क्योंकि एक स्टूडेंट को आते ही अगर काम स्टार्ट करना है तो इन सभी की नॉलेज उनको पहले से होनी चाहिए. एंड इवन अगर आप बड़ी कंपनीज में जा रहे हो तो अगर आपको पहले से ये नॉलेज होगी तो आगे जाके आपका ही काम आसान होगा, राइट? सो नो मैटर यूर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनी, अगर आप टेक्निकल उसमें आ रहे हो, सो इन ये सभी सब्जेक्ट्स तो कोर सब्जेक्ट्स हैं और इनकी नॉलेज हमेशा अप टू डेट होनी चाहिए हमारे. बिल्कुल बिल्कुल. सो फाइनली क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो कि एस्पायर करते हैं बिग टेक कंपनीज में जाने का? काफी ब्रॉड क्वेश्चन है ये तो. तो जो सभी हमने टॉपिक्स अभी कवर करे हैं कि प्रैक्टिस अच्छे से करना है, गुड मिक्सचर होना चाहिए आप जो प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हो, और चीजें जो भी करनी है वो समझ के करनी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ करनी है तो जैसे मर्जी कर दो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट? और सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी. अगर आप अपने आप को पूरे जर्नी के थ्रू मोटिवेटेड नहीं रख पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कुछ भी चीज़ क्रैक करना. मेरा खुद का इंटरव्यू प्रोसेस मोर देन 6 मंथ्स चला था ओवरऑल. तो अगर आप मतलब एक महीने बाद ही हम कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं, तो इंटरव्यू देते ही अगर इतना टाइम लग रहा है तो ओवरऑल तो हमें काफ़ी मतलब अपना बढ़ाना पड़ेगा स्टैमिना कोई भी चीज करने का. सो दैट इज द थिंग. गॉट इट. अमेजिंग. थैंक यू पीयूष, बहुत मजा आया तुमसे बात करके, और आई होप जो स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे. अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप पीयूष को रीच आउट कर सकते हैं लिंक्डइन पे. उनकी लिंक्डइन आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. मेरे लिए कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह लिख सकते हैं या लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं. और थैंक यू पीयूष फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स अहेड. थैंक्स अ लॉट.